बच्चों, आज की क्लास में आपको पोएट्री सेक्शन मतलब पोएट्री जो है मतलब 50 के इंग्लिश में, उसमें सबसे पहले आपको द डैफोडिल्स है। आज की क्लास में बच्चों हम द डैफोडिल्स के बारे में चर्चा करेंगे और यह निश्चित ही बिहार बोर्ड में पूछा जाता है 50 के इंग्लिश में। तो बच्चों द डैफोडिल्स जो है यह विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखा गया कविता है, ठीक है। और विलियम वर्ड्सवर्थ जो यह द डैफोडिल्स को लिखा है, इससे पहले इस कविता से पहले हम थोड़ा सा विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में जान लेंगे। तो विलियम वर्ड्सवर्थ का जन्म बच्चों यहां बताया गया है कि विलियम वर्ड्सवर्थ का जन्म 7 अप्रैल 1750 ईस्वी को हुआ था। कितना हुआ था बच्चों? 7 अप्रैल 1750। और इनके पेरेंट्स जो थे वे जॉन वर्ड्सवर्थ थे, अन कुकसेन। तो दोस्तों ये के माता पिता का नाम है, माता पिता का नाम ये भी याद रखना है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में आपको पूछ सकता है कि विलियम वर्ड्सवर्थ का जन्म कब हुआ, ठीक है। तो बच्चों ये विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा द डैफोडिल्स लिखा गया है। अब द डैफोडिल्स का फर्स्ट स्टेंजा में कवि क्या कहना चाहते हैं थोड़ा सा जान लेंगे, फिर सेकेंड स्टेंजा में क्या कहना चाहते हैं वो भी थोड़ा जान लेंगे। तो कवि फर्स्ट स्टेंजा में कह रहे हैं आई वॉन्डर्ड, आई बच्चों यहां वॉन्डर्ड होगा, आई वॉन्डर्ड लॉनली एज ए क्लाउड। कवि कहते हैं कि मैंने घूमने गया, मैं कहां गया? घूमने गया। लॉनली, लॉनली मीन्स क्या होता है? अकेले। मैं घूमने गया अकेले एज ए क्लाउड, जैसे एक क्लाउड एक बादलों की तरह, इसके तरह गए एक बादलों की तरह। मैंने घूमने गया अकेले जैसे फ्लॉट्स ऑन हाई ओवर वेल्स एंड हिल्स, जो घाटी और पहाड़ी के ऊपर बादल फ्लॉट्स मतलब बादल उड़ रहे हैं, बादल तैर रहे हैं, ठीक उसी तरह से मैं अकेले घूमने गया। कहाँ गया? घूमने गया। किसके तरह? बादलों की तरह। कभी कहते हैं कि मैं बादलों की तरह घूमने गया, मतलब जिस तरह से एक बादल घाटी और पहाड़ी के ऊपर तैरते हैं, ठीक उसी तरह से मैं भी तैरने घूमने गया। फिर आगे कहते हैं कवि क्या कि व्हेन जब ऑल एट वंस, जब ऑल एट वंस आई सॉ ए क्राउड, अचानक। ऑल एट वंस मीन्स क्या होता है? अचानक। जब अचानक मैंने देखा, आई सॉ मैंने देखा, क्या देखा? एक क्राउड, एक भीड़ को। क्या देखा मैंने? एक भीड़ को। ए होस्ट ऑफ गोल्डन डैफोडिल्स, नरगिस के सुनहरे फूलों के एक मेजबान, मतलब क्या? ए होस्ट मतलब मेजबान, एक मेजबान को। किस मेजबान को? तो गोल्डन डैफोडिल्स के मेजबानों को मैंने देखा अचानक एक नजर में, मैंने एक नजर में गोल्डन डैफोडिल्स के मेहमानों को देखा। कहां देखा? तो फिर कभी आगे कहते हैं बिसाइड द लैक बीनीथ द ट्री, बिसाइड द लैक, लैक के समीप, लैक मीन्स झील, झील के समीप,
बीनीथ द ट्रीज और पेड़ों के नीचे, फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रीज। फ्लटरिंग मींस क्या होता है? फड़फड़ाना। क्या होता है? फड़फड़ाना। एंड डांसिंग मींस क्या होता है? डांस करना, मडराना, झूमना इन द ब्रीज। ब्रीज मतलब मंद मंद हवाओं में वह डांस कर रहे हैं, फ्लटरिंग कर रहे हैं, मतलब डांस कर रहे हैं और फ्लटरिंग कर रहे हैं का मतलब वह फड़फड़ा रहे हैं, वह नाच रहे हैं मंद मंद हवाओं में। कहाँ नाच रहे हैं? तो लेक के बगल में और विनीत के नीचे। कौन नाच रहे हैं, कौन डांस कर रहे हैं? तो गोल्डन डेफोडिल्स के मेजबान। ये बच्चों फर्स्ट स्टेंजा में यह बात कवि लिखे हैं, ठीक है। उसके बाद है सेकंड स्टेंजा, इसमें कवि कह रहे हैं कंटिन्यूस एज द स्टार्स द साइन। कहते हैं लगातार क्या हुआ, कंटिन्यूस मीन्स हमने पढ़े हैं टेंस में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, ठीक उसी तरह से कंटिन्यूस मैंने लगातार अनगिनत एज द स्टार्स द साइन। तारे, अनगिनत तारे चमक रहे हैं कहाँ? स्काई, इन द स्काई आकाश में। एंड ट्विंकल और टिमटिमा रहे हैं ऑन द मिल्की वे। मिल्की वे मीन्स होता आकाश गंगा, आकाश गंगा। क्या होता है मिल्की वे मीन्स? आकाश गंगा। आकाश गंगा में वह क्या कर रहे हैं? टिमटिमा रहे हैं, तारे टिमटिमा रहे हैं, ठीक ना। लगातार लगातार अनगिनत जो है अनगिनत तारे की तरह, ठीक न, फूल भी मतलब शाइनिंग कर रहे हैं, चमक रहे हैं इसके तरह, अनगिनत तारों की तरह, ठीक है। कहां पर? वह झील और ट्रीज के बगल में। द स्ट्रेच इन द नेवर इडिंग लाइन दे स्ट्रेच, वे सब फैले हैं इन द नेवर इडिंग लाइन, न खत्म होने वाली। नेवर इडिंग लाइन मीन्स न खत्म होने वाली लाइन, न खत्म होने वाली लाइनों में वह क्या है? वे सब फैले, मतलब क्या कि कभी कभी तारे जो होते हैं एक लाइन में इस तरह से लगे हुए रहते हैं जिसका कि लगता है अंत ही नहीं है, ठीक उसी तरह से डेफोडिल्स जो है एक एक कतार में, एक पंक्ति में इस तरह से फैले हुए हैं उसका अंत ही नहीं है देखने में, जो सुंदर लगता है, जो मतलब बहुत दूर तक फैले हुए रहते हैं। तो कभी कहते ठीक उसी तरह से वह गोल्डन डेफोडिल्स येलो कलर की जो फूले हैं वह फैले हुए हैं नेवर इडिंग लाइन की तरह। अलोंग द मार्जिन ऑफ ए वे, खाड़ी के किनारे में एक साथ वह फैले हुए हैं। क्या फैले हुए हैं? 10,000 saw I at a glance, आई एट ए ग्लैंस, मतलब कि मैंने देखा। देखो यहाँ पर सौ पहले है, यहाँ आई है, कवि किस तरह से लिखे हैं, पहले सौ दिए तब आई, तो कहते मैंने देखा 10,000 को, 10,000 मीन्स 10,000, 10,000 को मैंने देखा एट ए ग्लैंस, एट ए ग्लैंस मीन्स एक नजरों में मैंने 10,000 डेफोडिल्स को देखा। तो किस तरह डेफोडिल्स क्या कर रहे हैं? तो टॉसिंग देयर हेड्स इन स्प्रिंग डांस, स्प्रिंगली डांस, मतलब वह उसके सिर जो है वह पूरा मतलब मस्ती में मंद हवाओं के साथ, ठीक ना, आनंद पूर्ण वह डांस कर रहे हैं। वह क्या कर रहे हैं? डांस कर रहे हैं। तो बच्चों ये आपका दो स्टेंजा हुआ, ये दो स्टेंजा आज की क्लास में आपको मैंने बताया, ठीक ना। और नेक्स्ट क्लास में द डेफोडिल्स के दो स्टेंजा बचे हुए हैं, उसको हम आगे क्लास में बताएंगे, ठीक है। आज यही तक।
क्या मिलने वाला है?